Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic or last lecture my dear. Humne baat ki thi polygon law of vector addition and cyclic process of addition. Aur usse related kuch questions bhi kiye the. Aur ab hum addition se related ek aur method ki baat kar rahe hain. Resultant of vector by component method. Vector, resultant of vector by component method or resolution of vector. Resolving. तो अब तक क्या था कि हम लोग क्या करते थे टू और मोर वेक्टर्स और उन वेक्टर्स को सम वेक्टर सम करके एक रिजल्टेंट बनाते थे. अब हम वही रिजल्टेंट किस मेथड से निकालेंगे कंपोनेंट मेथड से निकालेंगे. तो सबसे पहले हम कंपोनेंट करना सीखते हैं और कंपोनेंट करने के लिए हमारे पास किसी भी वेक्टर्स को हम टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और थ्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में चेंज कर सकते हैं. पहले हम सीखेंगे क्या चीज रिजोल्यूशन इन टू रेक्टेंगुलर और टू परपेंडिकुलर टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू रेक्टेंगुलर और टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर. तो यहां माय डियर मैंने एक वेक्टर ले रखा है. ये जो मेरा वेक्टर है ओ ए वेक्टर ए है ना. और ये वेक्टर ए जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा. तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर मैं उस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेता हूँ तो उसके परपेंडिकुलर ये हो गया अपना वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस हो गया ठीक है. अब हमारे पास ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब इसका जो हेड पॉइंट है जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है पॉइंट ए इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं ठीक है. तो एक्स एक्सिस पर जब अपन परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इंटरसेक्ट पॉइंट आता है इसको मैं ले लेता हूँ बी. तो हमारा वेक्टर आ गया ओ बी. और एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वो ले लेता हूँ मैं सी. तो ये वाला जो एक्स एक्सिस पर जो वेक्टर आ रहा है वो इसका कंपोनेंट वो हम मान ले रहे हैं ए एक्स. और वाई एक्सिस पर जो आ रहा है उसको ले ले रहे हैं ए वाई. अब ये ओ ए जो वेक्टर्स है वो कितने वेक्टर्स में वो डिवाइड हो गया कितने वेक्टर्स में वो हमने रिजॉल्व कर दिया कितने वेक्टर में टू परपेंडिकुलर और टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. एक हो गया ओ बी और एक हो गया ओ सी. और ओ बी और ओ सी जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब इनके मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं. ये जो इसके डायरेक्शन हो गया ओ बी जो वेक्टर है ऑन एक्स एक्सिस ओ सी जो वेक्टर है ऑन वाई एक्सिस इनके मैग्नीट्यूड्स कितने होंगे. तो मैग्नीट्यूड्स जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है. तो इसकी जो लेंथ है अगर मैं इन राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ कौन से राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ ओ बी ए ओ बी ए. तो इसका जो बेस है माय डियर वो अपन अगर कॉस थीटा लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि ओ बी अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए ओ ए. तो ये ओ बी ए एक्स है और ओ ए जो कि ए है तो यहाँ से ए एक्स एक्स आ गया अपना कितना ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा. तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया है ऑन एक्स एक्सिस ए कॉस थीटा. ऐसे ही अगर अपन वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो अगर अपन साइन ले लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन इसका जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए. तो परपेंडिकुलर ये ए बी जो है वो अपना
ए वाई है और ये ए, तो यहां से ए वाई हो गया माय डियर क्या ए साइन थीटा। तो हमारे दोनों कंपोनेंट आ गए, वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया। अब क्वेश्चन में अगर हमें वेक्टर दिया है और कंपोनेंट पूछता है, तो जो ये जो कंपोनेंट है एंगल की साइड में वो आया है अपना क्या ए कॉस थीटा, और जो एंगल के अपोजिट साइड में जो कंपोनेंट है वो आया ए साइन थीटा, है ना। अच्छा, दूसरा अगर हमें वेक्टर्स दिया है और वो वेक्टर्स किसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या किसी लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो पहले उस लाइन पर हम डालेंगे परपेंडिकुलर और फिर एक कंपोनेंट आएगा इनसाइड ऑफ एंगल, वो होगा कॉस, और एक आएगा आउटसाइड या अपोजिट साइड ऑफ एंगल, वो होगा साइन। दूसरा अगर हमें कंपोनेंट्स दिए हैं और एंगल पूछता है, तब क्या करेंगे अपन? तो हम अगर ए वाई अपॉन ए एक्स कर देते हैं, ए वाई अपॉन ए एक्स या ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा जो है वो है अपना ए वाई और ए साइन थीटा एक्स, यानी कि इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया अपना टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से हो गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं माय डियर, सिंपल मेथड है एंगल का, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, और स्क्वायर ऑन बोथ स्क्वायर एंड एड, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और ए ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये अपना अगर वेक्टर्स दिए हुए हैं तो ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। अगर हमें कंपोनेंट दिए हुए और रिजल्टेंट पूछता है, तो हम a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स हैं, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, और उनका जो स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर उससे हम उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर थ्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते तो यहाँ पर आ जाता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, उसकी भी हम बाद में बात करेंगे। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था आपसे, अगर आपको थीटा दिया है और ए एक्स दिया है, तो अपन यहाँ से भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का अगर अपन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हमारा ए आ जाएगा ए एक्स sec थीटा, ए आ जाएगा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, और ये इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। और फ्रॉम इक्वेशन अगर अपन सेकंड लेते हैं, तो इक्वेशन जो सेकंड है वहां से आ जाएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे आया है क्या ए इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, ये ए एक्स sec थीटा भी लिख सकते हैं इसको, और सेकंड इक्वेशन से ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए साइन थीटा, ए वाई अपॉन ए साइन थीटा, ठीक है ना। ये अपने ए एक्स और ए वाई की वैल्यू इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, अगर हमें वेक्टर दिया हुआ है और किसी लाइन के साथ वो जो एंगल बना रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं, पहले उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ये एक वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर 2 मीटर,
और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक आएगा इस लाइन पर, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा 2 cos 60 और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा 2 sin 60, am I right? तो अगर मैं इसको ax, देखो ax और ay से इसमें बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, अगर अपन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करना है तो यहां से ax हो गया अपना 2 cos 60 और cos 60 की वैल्यू माय डियर होती है 1/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा एनी वन, और ay जो है वो हो गया 2 sin 60 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ। अच्छा इसका ही एक मैं ये जो क्वेश्चन मेरा बना बताने का यहाँ पर मतलब है, सिमिलर एक क्वेश्चन अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाता है और ये एंगल अपन को दिया होता है वर्टिकल एंगल, ये दिया होता है आप कितना 60 डिग्री और वेक्टर वही है कितने न्यूटन, 2 न्यूटन, पहले दिया हुआ था 2 न्यूटन। तो अब इसका जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा माय डियर वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो ये हो जाएगा 2 sin 60 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 2 cos 60। तो देखो यहाँ पे एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज हो गया तो फिर कंपोनेंट भी अपने चेंज हो गए, है ना। तो अब जो ए एक्स है वो ए एक्स तो इसका हो जाएगा कितना √3 और ए वाई कितना हो जाएगा, ए एक्स हो गया अपना √3 और ए वाई हो गया कितना 1। तो ये कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक चीज अपन को समझ में आ रही होगी कि जो एंगल की साइड्स में जो कंपोनेंट आता है इन साइड ऑफ एंगल वो कॉस होता है और जो दूसरी साइड जो उसके अपोजिट साइड जो होता है एंगल के वो कंपोनेंट होता है साइन। तो आगे चलते हैं अब अपन, इसका स्क्रीनशॉट माय डियर आप थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट, तो अब ज़्यादा क्लियर है इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे ले जाता हूँ। तो ये माय डियर मैंने जो एग्जांपल ले रखा है इसमें एक ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर है 5 kg मास ऑफ एंड इंक्लाइनेशन एंगल है 37 डिग्री। अब हमें इसके वेट के कंपोनेंट लेने अलोंग द लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन, अलोंग द प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो माय डियर सबसे पहले इसका जो वेट होगा वो हो गया यहाँ पे डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड और वो हो जाएगा आपका कितना 5 kg, है ना, mg होता है वेट 5 kg। अब हम क्या करेंगे यहाँ ये जो अपना इंक्लाइंड है एक इस पर डाल देंगे परपेंडिकुलर, ये मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो हमारा जो एक कंपोनेंट है वो इस परपेंडिकुलर लाइन पे आ जाएगा और एक आ जाएगा अलोंग द प्लेन, ठीक है। ये जो कंपोनेंट आए, अच्छा सर अब अपन एंगल की बात करते हैं, तो देखो अगर ये एंगल 37 है तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा माय डियर ये भी कितने डिग्री होगा, ये एंगल भी होगा 37 डिग्री। अब 37 डिग्री तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये होगा 5g cos 37 और ये हो जाएगा 5g sin 37, यानी कि mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये एंगल 37 कैसे होगा, देखो ये एंगल 37 है यहाँ 90 होगा और ये एंगल होगा 90 - 37 तो ये हो जाएगा अपना 37। तो इसका जो जो इसको अगर मैं x मान लेता हूँ तो x एक्सिस पे जो आ रहा है अलोंग द लाइन ऑफ प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन वो आ रहा है 5g sin 37 और sin 37 की वैल्यू माय डियर सभी जानते होंगे 5g और sin 37
37 7 की वैल्यू होती है 3y 5 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो a y जो है वो आ गया अपना कितना g यानी कि 30 न्यूटन और ax है और अगर a y की अपन बात करते हैं तो a y हो गया अपना कितना a y हो गया 5g cos 37 और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5 और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो ये वैल्यू अपनी आ जाएगी 4g यानी कि 40 न्यूटन तो ये a y होगा ठीक है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही अगर सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है एक और क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं सिमिलर ये हमारे पास वो वेक्टर दिया हुआ है सपोज दैट दूध या रूट 3 न्यूटन और ये वो लाइन दे रखी है इस लाइन के साथ ये वेक्टर एंगल बना रहा है कितने डिग्री 30 डिग्री ठीक है 30 डिग्री इसके कंपोनेंट करके बैठे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जिस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है उस लाइन पे हमने क्या डाल दिया परपेंडिकुलर तो ये हमारा इस लाइन पे ये ठीक अब एक कंपोनेंट हमारा इस वाली लाइन पे आ जाएगा और एक कंपोनेंट इसके तो जो एंगल की साइड में कंपोनेंट आएगा वो कॉस होगा तो ये वाला जो कंपोनेंट है 2 cos 30 और ये कंपोनेंट हो गया 2 sin 30 ठीक है ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ये जो कंपोनेंट है अपना ये हो गया 2 sin 30 इस कंपोनेंट में से अब अपन कोई भी एक x चूज कर सकते हैं और एक y चूज कर सकते हैं तो अगर अपन इसको x मानते हैं तो ये अपना y हो जाएगा और अगर इसको x मानते हैं तो ये y हो जाएगा तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ 2 cos 30 तो cos 30 की वैल्यू माय डियर कितनी होती है √3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये वाला वेक्टर अपना आ गया √3 और a y इसको अगर मैं y मान लेता हूँ तो ये हो गया 2 sin 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये वैल्यू आ गई 1 यूनिट इसकी न्यूटन है तो ये आ जाएगा न्यूटन में तो इस तरह से अपन किसी भी वेक्टर्स को टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं अब इसका यूज रिजल्टेंट में कैसे करते हैं रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं इस मेथड के थ्रू वो देखते हैं तो माय डियर मैंने जो अब क्वेश्चन लिया है वहां पर हमें वेक्टर्स दे रखे हैं कोइनिशियल 2 कोइनिशियल वेक्टर्स दे रखे हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स हैं 2 न्यूटन 2 and 2 न्यूटन और इनका एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स 60 डिग्री इनका रिजल्टेंट निकालना है अब मैं आपको रिजल्टेंट इनका जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम मेथड से और दूसरा जो कंपोनेंट्स मेथड है दोनों से अपन करके देखते हैं तो यहाँ पे अगर अपन पैरेललोग्राम मेथड्स लगाते हैं तो पैरेललोग्राम मेथड्स में अपन इसके जो पैरेलल लाइन है वो मैंने ले ली ये और इस वाले वेक्टर्स के पैरेलल लाइंस ये ठीक है तो दोनों वेक्टर्स के जब अपन पैरेलल लाइंस ले लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा पैरेललोग्राम ठीक है अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो डायगोनल आएगा वो डायगोनल हमें क्या बताएगा रिजल्टेंट ठीक है रिजल्टेंट को मैं लेता हूँ किससे आर से ठीक ये अपना ओ ए ओ बी और ये ओ सी तो जो ओ सी वेक्टर है इज द सम ऑफ ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर अब हम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे माय डियर तो क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट ओ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी कॉस 60 एंगल बिटवीन देम तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है और कॉस 60 की वैल्यू माय डियर अपन जानते हैं कि 1/2
इसकी वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर प्लस ओ बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 तो एक 2 इनमें से कैंसिल कर लेते हैं अपन और एक 2 अगर मैं इसमें से कैंसिल आउट कर देता हूँ तो अपने पास ये हो जाएगा 4 प्लस 4 ये वैल्यू अपनी कितनी हो गई 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि रूट 12 और अंडर रूट 12 को अपन लिख सकते हैं 2√3 तो ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ गया। अब यही क्वेश्चन अपन ये इसका फर्स्ट मेथड हो गया है ना फर्स्ट मेथड और वो भी कौन से मेथड से अपन ने लिया है इसको पैरो मेथड। अब मैं देखता हूँ बाय कंपोनेंट मेथड सेकंड मेथड है अपना जो अभी मैंने आपको बताया कंपोनेंट तो हमारे पास एक वेक्टर मीडिया दिया हुआ था कौन सा ओ ए ऑन एक्स एक्सिस ठीक है ओ ए कितने न्यूटन 2 न्यूटन और जो दूसरा वेक्टर था वो इससे कितना एंगल बना रहा था 60 डिग्री वो भी कितना है 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं इस वेक्टर को जो हमारा ओ ए वेक्टर तो है ही और ये ओ बी जो वेक्टर है अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लेता हूँ ठीक है ये तो जो इसका यस तो इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो कंपोनेंट आएगा इसका वो हो जाएगा कितना 2 cos 60 एक्स एक्सिस और इसके वर्टिकल लाइन पे जो कंपोनेंट जाएगा 2 sin 60 तो ये वाई और ये एक्स एक्सिस तो अब आप देखो रिजोल्यूशन करने के बाद एक्स एक्सिस पे जो नेट वेक्टर है वो कितना है टोटल वो हो गया 2 plus 2 cos 60 और cos 60 की वैल्यू अपन जानते हैं 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ए एक्स हो गया अपना 3 न्यूटन और ए वाई की अगर अपन बात करते हैं तो 2 sin 60 y एक्सिस पे जो कंपोनेंट है तो ये वैल्यू √3/2 से 2 कैंसिल हो गया √3 न्यूटन। अब इनका जो रिजल्टेंट है आइडिया वो मैंने क्या बताया था a जो रिजल्टेंट है वो a x i कैप x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो j तो अपना जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैंने क्या बताया था √ax² + ay² ठीक है ax² + ay² करके ऐड कर देते हैं इनकी वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं तो ये कितनी आ जाएगी इसकी स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होगी कितनी माइडिया 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर यानी कि ये हो गए √9 और +3 यानी कि 12 और 12 को अपन क्या लिख सकते हैं √12 और √12 को अपन लिख सकते हैं 2√3 तो ये मैग्नीट्यूड और यही आंसर आ रहा था इसका यहाँ 2√3 को तो मैग्नीट्यूड आ रहा है माय डियर वो आ रहा है कितना 2√3 निकल ये अपना हो गया फाइनल आंसर और इधर यही आंसर अपना ये आ रहा है तो ये हम कंपोनेंट मेथड का यूज करके कंपोनेंट मेथड का यूज करके आप देख रहे हो कि सेम जो क्वेश्चन है वो हम कंपोनेंट मेथड का यूज करके भी निकाल सकते हैं। ओके तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय डियर अब जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें हमें एक रेगुलर ट्रायंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन 3 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन अप्लाइड अलोंग द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल है अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है और वो रिजल्टेंट अब देख रहे हो आप मोर देन 2 वेक्टर्स और वैसे हम इसको सॉल्व करते थे पॉलीगॉन लॉ से लेकिन अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे कंपोनेंट मेथड से यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से तो सबसे पहले इन वेक्टर्स को इनिशियल कर लेते हैं
चेंज कर लेते हैं किसमें, कोइनिशियल वेक्टर्स में। तो माय डियर, कोइनिशियल वेक्टर्स में चेंज करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि शिफ्टिंग, शिफ्टिंग पैरेलल शिफ्टिंग और अलोंग शिफ्टिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो वेक्टर है ए बी, इस वेक्टर को ऐसे के ऐसे ही यहाँ ये मैंने ले लिया, कौन सा वेक्टर, ए बी वेक्टर, ओके, कितने न्यूटन, 2 न्यूटन। अच्छा, जो दूसरा वेक्टर है बी सी, बी सी वेक्टर को मैं यहाँ से इस जगह शिफ्ट कर दे रहा हूँ, इसकी जो टेल है जो पॉइंट बी पर है इसको ए पर लेता हूँ और इसको पैरेलल शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट। तो ये वेक्टर अपना आ गया ए, कौन सा वेक्टर आ गया भाई, ये वेक्टर आ गया अपना बी सी वेक्टर, और कितने न्यूटन है इसका मैग्नीट्यूड भी कितने न्यूटन है, 2 न्यूटन। अच्छा, जो थर्ड वेक्टर है सी बी, सी ए, सी ए वेक्टर्स को जिसकी टेल पॉइंट ए पर है इसको मैं अलोंग शिफ्ट कर दे रहा हूँ, आगे ले लेता हूँ। तो ये जो वेक्टर है ये आ जाएगा अपना सी ए और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन। अब एंगल की अगर अपन बात करते हैं थोड़ा सा इसको मैं एंगल है ये 120 डिग्री, ये एंगल भी अपना कितना है 120 डिग्री और ये एंगल भी कितना है 120 डिग्री, ये एंगल मास अपन निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये भी 120 डिग्री है ना। अब अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखता हूँ तो ये अपना हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया माय डियर वाई एक्सिस, पूरा एंगल कितना था 120 था, ये पूरा एंगल कितना था 120 था। अच्छा, 120 में से, अच्छा अभी ये 90 30 और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही अगर अपन इधर देखेंगे तो ये जो एंगल है 120 है कंप्लीट यहाँ तक, 120 में से 90 30, तो ये एंगल कितना बच गया 60। अब अपन देख रहे हैं कि ये जो 2 न्यूटन फोर्स है ऑन एक्स एक्सिस और ये जो 2 न्यूटन है वो 2 न्यूटन जो फोर्स है वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है और ये वाला भी, तो इनके कंपोनेंट ले लेते हैं। इसका अगर मैं कंपोनेंट लेता हूँ तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा, माय डियर देखो जल्दी से फटाफट बताओ मुझे क्या आएगा, इसका कंपोनेंट आएगा 2 sin 60 और इसका इधर कंपोनेंट आ गया 2 cos 60। ऐसे ही इस वाले को अगर इधर लेते हैं तो ये कंपोनेंट आ जाएगा 2 sin 60 और ये वाला जो कंपोनेंट है 2 cos 60। तो अब देखो ऑन एक्स एक्सिस जो कंप्लीट वेक्टर है, नेट जो वेक्टर है 2 न्यूटन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 2 cos 60 ऑन पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये टोटल जो वेक्टर है एक्स ए एक्स जो है वो हो जाएगा 2 minus 4 cos 60। कैसे हो गया माय डियर, 2 cos 60 और 2 cos 60, 4 cos 60 और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो 2 न्यूटन के जस्ट कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अपना cos 60 की वैल्यू 1/2 कट जाएगा 2 minus 2, तो ए एक्स जो है वो हो गया 0। अब अपन ए वाई वाई एक्सिस पे देखते हैं, तो वाई एक्सिस पे माय डियर पॉजिटिव y एक्सिस पे 2 sin 60 और नेगेटिव इसके जस्ट अपोजिट है 2 sin 60। तो ये हो गया 2 sin 60 minus 2 sin 60, तो y एक्सिस पर भी टोटल वेक्टर जो है कंपोनेंट जो 0 हो गए। तो अब अगर अपन a नेट निकालते हैं जो कि ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप होता है, तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 i कैप मैग्नीट्यूड रूट ए एक्स स्क्वायर, वैसे भी अपन समझ गए होंगे कि 0 i कैप है और 0 j कैप है, तो स्क्वायर करोगे तो भी जो नेट आएगा रिजल्टेंट वो आएगा 0। तो अगर इक्वल वेक्टर, तो यहां मैं एक नोट्स आपको डलवा दे रहा हूं,
यहाँ हमने देखा कि इक्वल वेक्टर्स इक्वल थ्री इक्वल वेक्टर्स थे और उनके एंगल उनके बीच में सेम थे, तो उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इफ एन वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मेक्स द एंगल ऑफ इक्वल मेजर विद ईच अदर इन सेम प्लेन देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जीरो। एक ही प्लेन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल्स सेम है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो आता है, वो थ्री हो या फोर। अच्छा, मिनिमम जो वेक्टर्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिजल्टेंट जीरो के लिए कितने होते हैं, थ्री होते हैं। और इन सेम प्लेन, अगर वो सेम प्लेन में नहीं है तो मिनिमम जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे वो कितने चाहिए होते हैं, फोर चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स दे रखे हैं, टू न्यूटन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक दे रखा है रूट टू न्यूटन। एक्स और वाई के बीच में 45 डिग्री एंगल है। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर अपन कंपोनेंट मेथड निकालता रहते हैं माय डियर, तो इस पूरी वेक्टर एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये बीच में, तो इसका अगर मैं कंपोनेंट लेता हूँ तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा रूट टू साइन 45 डिग्री, और ये जो कंपोनेंट है वो आएगा कितना, रूट टू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ऑन एक्स एक्सिस जो टोटल कंपोनेंट हो, टोटल वेक्टर्स हो गया, नेट वेक्टर हो गया एक्स एक्सिस पर टू माइनस रूट टू कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 की वैल्यू माई डियर आप जानते हो, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस 1 बाई रूट टू होती है, रूट टू बन गया, यानी कि ये कितना आ गया 1, और y एक्सिस पर जो नेट वेक्टर हो गया वो 2 माइनस रूट टू साइन 45 45 और साइन 45 की बन रूट टू, तो ये ए वाई जो है वो भी आ गया 1 2 माइनस 1, ए वाई भी अपना कितना आ गया 1 न्यूटन। अगर यूनिट न्यूटन है तो न्यूटन अपन, अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि ए जो वेक्टर है ए एक्स ऑन ए एक्स आई ऑन ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, और ए वाई जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो ए जो मैग्नीट्यूड होगा इसका रूट ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 यानी कि मेथड्स। तो माय डियर, अब वीडियो होता जा रहा है लेंथी, तो आप अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, ये वीडियो लेंथी होता जा रहा है, तो माय डियर इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने ज्यादा व्यूज और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर जुड़ेंगे आपका कंपटीशन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, बाय।